नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम खोया पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। तो इसे मैं काफ़ी हद तक रेस्टोरेंट की स्टाइल में ही बनाऊंगी। आप बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, इसके लिए मैंने 250 ग्राम खोया लिया है और 250 ग्राम ही पनीर लिया है। और ये 4 से 5 प्याज और टमाटर मैंने काट लिए, 4-4, 5-5 ले लिया। आप ड्राई फ्रूट में देखिए, मगज हैं, काजू की टुकड़ी है, 4-5 बादाम है और थोड़ा सा 1 चम्मच नारियल का बुरादा है। थोड़ा लहसुन अदरक ले लें। मसालों में देखिए, हल्दी है, नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर है और धनिया पाउडर है। आप टमाटो प्यूरी ज़रूर लें। थोड़ा सा बटर लेना है हमें, और जो मार्केट के मसाले आते हैं, थोड़ा चना मसाला और किचन किंग मसाला, ये भी लें। इससे मार्केट जैसा ही सब्ज़ी बनेगी बिल्कुल। और थोड़ा सा आप ताज़ा दही ले लें। तो एक कढ़ाई में देखिए, हम ऑयल गर्म करेंगे सबसे पहले, और इसमें हम लहसुन अदरक और प्याज डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये बहुत जल्दी से भुन जाए। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा कच्चा पन इसका चला जाए। तो देखिए, कुक हो गए हैं जितना हमें चाहिए। थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डालेंगे यहाँ और टमाटर डाल देंगे, और जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो भी यहीं डाल देंगे। और अभी इन्हें ढककर हम कुक होने तक और सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो 5 से 7 मिनट आपको इसमें लगेंगे, आप मीडियम फ्लेम पे कुक करें। तो देखिए, बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब ठंडा होने के बाद इन्हें हम मिक्सर जार में थोड़ा चला लेंगे। अब सेम कढ़ाई में हम फिर से थोड़ा सा ऑयल लेंगे और जो हमने दही लिया था उसमें धनिया पाउडर और मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो आप वही कढ़ाई ले लें यहाँ पर। इसमें हम ऑयल में हम थोड़ा सा बटर डालेंगे, आप केवल बटर में भी बना सकते हैं ये। और थोड़ा सा बटर को हम मेल्ट होने देंगे। तो दही आप यहाँ खट्टा ना लें, ताज़ा ही दही लें। और देखिए, दही को हम इस तरह से तड़का लगा देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि दही फटे नहीं, और थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। और अब इसे ऑयल छोड़ने तक, मसाला भुनने तक कुक कर लेंगे। तो 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा मसाला भुन गया है। अब हमने जो टमाटर और प्याज और ड्राई फ्रूट की जो प्यूरी तैयार की थी, इसमें हम वो डाल देंगे। तो इसे डालकर देखिए, अच्छे से मिलाएंगे और इसे थोड़ा कुक होने देंगे। उसके बाद इसमें हम आधा पैकेट लगभग 100 ml टमाटर प्यूरी डालेंगे, और अब इसे अच्छे से मिलाकर हम इसे कुक करेंगे। और थोड़ा सा बटर हम बीच में फिर से डाल देंगे ताकि थोड़ा ऑयल छोड़ दें। और अब यहीं पर हम चना मसाला और 1 चम्मच किचन किंग मसाला, दोनों 1 चम्मच डालेंगे। ये हमें बाद में डालना है, बहुत स्टार्टिंग में नहीं डालना है। और इसे मिलाकर इसे फिर से हम कुक करने के लिए छोड़ देंगे। तो आप मीडियम फ्लेम रखें या लो पे रखें। अब देखिए, इसने थोड़ा सा ऑयल छोड़ दिया है, तो कुक होने लग गई है। अब इसमें हम पनीर डालेंगे। और मावे को देखिए, इस तरह से हाथ से तोड़ते हुए हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से अब मिला लेंगे। नमक डालेंगे और कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप ये ज़रूर डालें। अब इसको अच्छे से मिलाकर फिर से हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे छोड़ देंगे। तो थोड़ा सा ये ऑयल छोड़ेगी, और आपको चाहिए ऑयल ज़्यादा ऊपर आए तो आप थोड़ा सा इसमें और बटर डाल दीजिए। तो मैंने नहीं डाला एक्स्ट्रा बटर। तो देखिए, अब ये कुक हो गई है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी। आप बनाकर देखिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट का जैसा टेस्ट आएगा। आप इसे नान के साथ खाइए, रोटी के साथ। तो इस तरह आप ये सब्ज़ी बनाइए खोया पनीर की। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।